हेलो एवरीवन, आज कॉर्पोरेट अकाउंट का पेपर डिस्कस कर लेते हैं। बहुत बच्चे कमेंट का वेट करते हैं कितने मार्क्स है, तो इस वाले पेपर में 56 मार्क्स हैं आपके, तो आप देख लीजिए क्या है। पहले का आंसर आपके सामने, कुछ ही क्वेश्चंस में ना ऐसा है कि इस बार के कुछ क्वेश्चंस भी अपने हिसाब से इन्होंने आंसर दे रखे हैं, बुक में भी दे रखा हो चाहे इसका आंसर ये होना चाहिए, उसके हिसाब से ही चल रहे हैं ये। तो आपके सामने आंसर है तो ध्यान से कर लीजिएगा आप। मुझे कुछ आंसर्स दो जगह बुक के अंदर अलग अलग दे रखे हैं, दो जगह एमसीक्यू क्वेश्चन में ही, दो जगह बुक में भी देखा तो वो अलग अलग है, लेकिन आई डोंट नो कि भाई क्या है नहीं है उसके हिसाब से। तो आप देखते जाइएगा, आराम से चेक कर लीजिएगा। कुछ क्वेश्चंस के आंसर अभी भी स्टिल मुझे डाउट में रहा, मैं बता दूंगा, जिसको चेक करना हो, दो अटेम्प्ट हो तो वो कर सकता है। लाइक के ये आंसर होगा, जैसे इस वाले क्वेश्चंस में ना मुझे यहाँ पे बुक के अंदर नन ऑफ द दीज लिख रखा, लेकिन होना बी चाहिए था, इसमें सेकंड पॉइंट होना चाहिए, एक ये चेक कर लीजिएगा। तो ये हमारे क्वेश्चंस हैं। ऑनर्स का बच्चा हो, प्रोग्राम का बच्चा हो, सबका पेपर एक ही जैसा है, कोई चेंज नहीं आया है। 19, 20, बहुत सारे यहाँ पे अलग अलग लगा रहे हैं, जो कैपिटल रिजर्व भी लगा रहे हैं, बट इसका गुडविल करेक्ट आंसर है। तो बाकी के आपके जो असाइनमेंट हैं, कंपनी लॉ का तो डाल ही दिया, बाकी सारा चल ही रहा है आपका। होपफुली आपको सारी चीजें बातें समझ में आ रही होंगी। और आप लोगों के डेट शीट एक्सटेंड हो गए, तो 1.5 महीने मिल गए हैं, तो ध्यान रखिएगा, पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, और अभी से पढ़ेंगे तो अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। 1.5 महीने का पूरा एकदम प्लान फुल तैयार कर रखा है मैंने, उसके हिसाब से अभी मैं क्लास चला रहा हूँ। तो ये था एंड क्वेश्चन, तो बता दिया, आप इसको कर सकते हैं।